तो नमस्कार दोस्तों, आज ये हम छोटा सा एक वीडियो क्लिप बना रहे हैं जो कि एक पावर सप्लाई असेंबलिंग का है। आप ये पीसीबी देख सकते हैं, ये टू लेयर का एक पीसीबी है। इसके बारे में हम उतना डिटेल्स वीडियो नहीं बनाए हैं, फिर भी आज हम आप लोगों को बता देते हैं कि एक जेएलसी पीसीबी है जो कि चार कैपेसिटर सप्लाई के साथ है, डबल ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें आप देख लीजिए 25-10 यूज किया है और ये डबल पैरेलली कनेक्टेड है। बोलो तो ये 25 एम्पियर का है, 25-25 50 एम्पियर हो गया, ठीक है। एक सप्लाई इसमें जो डायोड लगा हुआ है ये 50 एम्पियर का डायोड हो गया, दो पीस मिला के। अभी इसके अंदर कैपेसिटर हम इनबिल्ट करने वाले हैं, तो कैपेसिटर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, यू कैन सी 10,000 माइक्रोफेरेड UF 80 वोल्ट, 105 डिग्री का है ये, यूसोनिक कंपनी का, काफी बढ़िया क्वालिटी का है, एक्यूरेट इसका वैल्यू आता है, हमने मीटर से चेकिंग भी किए हैं। इसका जो वैल्यू है, एफिशिएंसी है, काफी बढ़िया है। ओके, तो इसको हम माउंट करने से पहले ग्लू यहाँ पे लगा देंगे। और एक चीज जो कि सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, इसकी पोलैरिटी। ग्लू लगाने का मेन जो कारण है, ये उखड़ जाने की एक दिक्कत आता है क्योंकि कैपेसिटर काफी वेटी होता है और ये ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी ज्यादा झटका लगता है इसके ऊपर। सो डैमेज ना हो इसी के लिए हम यहाँ पे ग्लू की हेल्प ले रहे हैं और ग्लू को भी काफी ज्यादा हीट करके लेना है, नहीं तो इसको चिपकने में दिक्कत हो सकता है। और दोस्तों ये पीस हम इसको हम होल्ड करेंगे अराउंड 30 सेकेंड्स के लिए, इसको हमें होल्ड करना पड़ेगा नहीं तो ये हट जा सकता है अपनी जगह से। तो ये चार सप्लाई आप देख रहे हैं, चार ही सप्लाई हम क्यों बना रहे हैं, चार सप्लाई बना रहे हैं। हमारा एक 11 चैनल के एम्पलीफायर की छोटा सा अपडेट आपको दिया था, उसी एम्पलीफायर के लिए ये सप्लाई तैयार हो रहा है जो कि एक प्रीमियम एम्पलीफायर होने वाला है और उसी के लिए इसको हम तैयार कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे काफी सारा कंपोनेंट अभी भी लगाना बाकी है और नीचे सोल्डरिंग करना भी अभी भी बाकी है। तो कंपोनेंट क्या लगने वाला है, इधर आपका इस साइड में एक रेजिस्टर्स लगने वाला है जो कि वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करके इसको हमें रेजिस्टर्स को रिफिल करना है। जैसे कि यहाँ पे 80 वोल्ट कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर डीसी वोल्ट जाएगा 70 वोल्ट की आसपास। सो यहाँ पे हम 15K एक रेजिस्टर्स यूज करेंगे जो कि 1/4 वाट का रेजिस्टर्स होगा। एक एक सर्किट में दो पीस करके लगने वाला है चार कैपेसिटर में। ये हमारी 15K का रेजिस्टेंस है जो कि हम यहाँ पे रिफिल करेंगे। हो गया, ये दूसरा है। बाकी ट्रांजिस्टर्स की जगह काफी सारा मतलब ब्लैंक है अभी भी, सबको रिफिल नहीं करेंगे हम क्योंकि जो एम्पलीफायर हमारा बनने वाला है उसके अंदर एक्सेस वोल्टेज कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ कूलर के लिए एक्सेस वोल्टेज लगेगा। उसी के लिए यहाँ पे 78-12 ट्रांजिस्टर हर एक सप्लाई में एक एक पीस करके हमने लगा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे एक पीस करके हम जो पीएफ है, पिको फेरेड वाला पीएफ 104, ये 63 वोल्ट 200 वोल्ट के अंदर है, तो यही वाला हम यहाँ पे रिफिल करेंगे। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन यही है कि दोस्तों आपको एक चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गलत लगा दिया हूँ बातें करते करते। ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे मैं लगाया हूँ, यहाँ पे एक 1 वाट या 2 वाट का रेजिस्टेंस लगेगा जो कि डिस्चार्ज रेजिस्टेंस होगा, पर हम यहाँ पे क्वार्टर वाला लगा दिए हैं क्योंकि एलईडी के साथ जो ट्रैक कनेक्टेड है वो R5 है,
यहाँ पे R5 बोल का रेजिस्टेंस है, R5 के साथ ये वाला जाएगा 15K, R5 के साथ हम 15K कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पे हम इसी कैपेसिटर की कितना वोल्टेज का कैपेसिटर है और कितना वोल्टेज के अंदर जाने वाला है तो उसी हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये हम बाद में करेंगे। देखते हैं कितना वोल्ट डीसी बनता है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देंगे। अराउंड आपका रेजिस्टेंस लग जाएगा यहाँ पे 10 के करीब, 10 के रेजिस्टेंस 2 वाट में और 1 वाट में लगा देंगे, जो कि धीरे धीरे डिस्चार्ज कर लेगा कैपेसिटर को। अभी हमने PF रिफिल कर रहे हैं, एक छोटा कंपोनेंट पहले लगाना चाहिए पर हमने कुछ ज्यादा नहीं है इसलिए बाद में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया मैक्सिमम, ओके तो चलिए हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग वायर हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये 40x60 ग्रेड का सोल्डरिंग वायर है, जो कि काफी बढ़िया होता है, उसकी क्वालिटी है काफी बढ़िया है, ग्लेज भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही जल्द ये मेल्ट हो जाता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं लगता। हम सोल्डरिंग आयरन को 500 डिग्री सेल्सियस में कर लिए हैं। जैसे कि ये 2 लेयर का PCB है इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता है इसमें, एकदम अंदर तक उसका जो वायर का पार्टिकल्स है ये जाना चाहिए इसको, तब जाके फुल्ली रिफिल होता है। ओके दोस्तों, तो हमारी सर्किट ऑलमोस्ट तैयार है, बाकी जो भी काम बाकी रह गया है ये हम जो कैबिनेट में इंस्टॉल करने समय इसको हम कर लेंगे बाकी का। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।